नमस्कार। तो आज अपन ब्राइटकॉम स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। ब्राइटकॉम की बात की जाए तो ब्राइटकॉम में ट्रेडिंग बैन थी काफ़ी दिनों से, जो है ट्रेडिंग बैन थी, क्योंकि हम लोग ने पहले भी बात की जो जो कंपनी के अंदर जो प्रॉब्लम चालू थे, जैसे कि क्वार्टर के नतीजे, पिछले दो क्वार्टर के नतीजे भी सामने नहीं आए थे, तो उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात था। वो नतीजे यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक सामने नहीं आए थे, जिसके कारण कंपनी ने जो है यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे आप देख सकते कि ट्रेडिंग बैन भी हो चुकी थी, मीन सभी की तरफ से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते कि जो न्यूज़ भी आई है ब्राइटकॉम स्टॉक के लिए, वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। बोर्ड ऑफ ब्राइटकॉम अप्रूव चेंज इन डायरेक्टरेट। तो ब्राइटकॉम ने यहाँ पे देख सकते कि डायरेक्टरेट में भी चेंजेस लाए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते 11 अगस्त से नए डायरेक्टरेट यहाँ पे आप देखने को मिलेंगे। तो इसके अलावा आप लोग देख सकते जो कंपनी के अंदर प्रॉब्लम भी चालू थे, कंपनी के में से यहाँ पे आप देख सकते मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ना ट्रेडिंग बैन होने के जो जो कारण थे वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि ट्रेडिंग बैन नहीं होती तो स्टॉक टू मोमेंटम भी इतना ज़्यादा नहीं करता था। पर अभी भी देखोगे आज तो सन मंडे है, तो मंडे के दिन हर मंडे ट्रेडिंग देखने को मिलते हैं, कल के दिन अगर ट्रेडिंग चालू होती है तो फिर से ट्रेडिंग चालू देखने को मिलेगी।